प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को 15 दिवसीय फिटनेस प्लान भी तैयार करना होगा और बकायदा उसे अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अभी हाल में फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को भी शामिल किया गया है। खेल और युवा मामलों की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रीय व्यापारी आंदोलन की राष्ट्रव्यापी शुरुआत शारीरिक गतिविधियों और खेलों को नागरिकों के दैनिक जीवन में शामिल करेगी ताकि उनकी शारीरिक फिटनेस और कल्याण में सुधार किया जा सके। भारतीय खेल प्राधिकरण IOA, भारतीय एथलीट्स महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय साइकिलिंग महासंघ जैसे राष्ट्रीय खेल महासंघों के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा इसमें निजी इकाइयों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में फिट इंडिया अभियान की बात की थी और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत आज हो रही है। कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी और इसके तहत सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के 15 दिवसीय फिटनेस प्लान को भी तैयार करना होगा और बकायदा उसे अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय के पोर्टल वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को भी शामिल किया गया। खेल एवं युवा मामलों की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रव्यापी आंदोलन की राष्ट्रव्यापी शुरुआत शारीरिक गतिविधियों और खेलों को नागरिकों के दैनिक जीवन में शामिल करेगी ताकि उनकी शारीरिक फिटनेस और कल्याण में सुधार किया जा सके। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण IOA, भारतीय एथलीट्स महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय साइकिलिंग महासंघ जैसे राष्ट्रीय खेल महासंघों के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंच गए हैं जहां पे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है। वेलकमिंग इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम और कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने वाली है। इस अभियान के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को 15 दिवसीय फिटनेस प्लान भी तैयार करना होगा और बकायदा अपने कॉलेज की वेबसाइट पर भी इसको अपलोड करना होगा। अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट को सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था और अभी आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँच गए हैं, फिट इंडिया अभियान की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। इस समिति में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को भी शामिल किया गया है। खेल एवं युवा मामलों की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रव्यापी आंदोलन की राष्ट्रव्यापी शुरुआत शारीरिक गतिविधियों और खेलों को नागरिकों के दैनिक जीवन में शामिल करेगी। प्रगति के पथ पर चल रहा है देश मेरा, स्वस्थ भारत का एक नया सवेरा, एक नया सपना देख रहा है देश मेरा। नमस्कार भारत, नमस्कार दिल्ली, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं गीतिका गंजूधर और मैं यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों का और हमें टेलीविजन और सोशल मीडिया पे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। A very, very warm welcome to all of you. देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्र खेल दिवस के दिन फिट इंडिया अभियान का लॉन्च किया जाएगा ताकि हर भारतवासी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, खुद को फिट रखें और साथ ही साथ देश को भी फिट बनाए। फिट इंडिया अभियान भारतवासियों में फिटनेस की ओर जागरूकता जगाएगा और फिट इंडिया का एक नया सवेरा लेकर हम सब के लिए आएगा। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत और आज इस सुबह की शुरुआत होगी स्वागत भाषण के साथ। मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू जी से कि वह स्वागत भाषण दें। पूरा भारत देश का और खास करके युवाओं के दिलों के धड़कन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा मामले विभाग के सचिव सुश्री उपमा चौधरी जी, खेल विभाग के सचिव श्री राधेश्याम जोलाना जी, और आज के इस रोमांचक कार्यक्रम में हमारे बीच में आए देश के कोने कोने से जो फिटनेस आइकन है अलग अलग क्षेत्र में, और आज ही के दिन खेल दिवस के अवसर पर जिनको हम खेल और एडवेंचर के जो अवार्ड देने वाले हैं, अर्जुना, खेल रत्न द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल रत्न नाका और तेंजिन नोर्गे अवार्ड से जिसको नवाजा जाएगा, शाम को राष्ट्रपति भवन में हमारे बीच में बैठे हैं, और बीच में इस तमाम देश के अलग अलग कोने से हमारे बीच में आए हुए माता और बहनों और काफी मात्रा में युवाओं के प्रतिनिधि इस स्टेडियम में आए हुए हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज के फिट इंडिया मूवमेंट का जो कल्पना निर्देश जिसने एक फिट इंडिया का सपना देखा है और हमको मार्गदर्शन दिया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं अपने विभाग की ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से, तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ पूरे देश भर में दूरदर्शन के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबका भी इस रोमांचक कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में कोने कोने में नए जोश के साथ सब इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे भारत देश में कि इतनी बड़ी मुहिम अपने फिटनेस को लेकर के पहली बार खेल दिवस में जो लॉन्च करने का कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको भाग लेने के लिए, उसको सम्मिलित करने के लिए सब लोग तन मन और पूरे लगन के साथ जुड़े हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कल्पना, प्रधानमंत्री जी का सपना कि एक सशक्त भारत बने, एक बहुत ही प्रगतिशील भारत बने, जिसके लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, हर भारतीय को स्वस्थ रहना होगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इस कल्पना को पूरा करने के लिए सब जुड़े हैं। मैं आपको तहे दिल से सबको स्वागत करते हुए भी और साथ साथ में आगे इसको एक अभियान के रूप में हम लोग ले जाना चाहते हैं, आपको आह्वान करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने के बाद इस कार्यक्रम का हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसके लिए हर भारतवासियों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज खेल दिवस में मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर माना जाता है, उनके जन्म दिवस पर ये फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूँ। जय हिंद। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से युगों युगों से फिटनेस हम सब की दिनचर्या का हिस्सा रहा है, चाहे वो खेल कूद हो, नृत्य हो, या हम सब की रोजमर्रा की जीवन शैली। आइए देखते हैं किस तरह से इस मजबूत नींव पर फिट इंडिया अभियान एक जन अभियान का रूप लेने जा रहा है।
मैं भारत हूं। मेरे 5000 साल के संस्कार, मेरे हर एक प्रांत की विविधता जो तुम्हें रखती है जीवंत और सहज। मेरा गौरवशाली इतिहास वो जड़ें हैं जिससे बल पाकर तुम ऊपर उठते हो, जो तुम्हें याद दिलाता है विश्व गुरु होने की, जिसका हर सुनहरा अध्याय तुम्हें प्रेरणा देता है। राणा प्रताप का बल, चाणक्य की चतुराई और बुद्ध की शांति सब मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। ये मेरा वो रूप है जो तुम रचते आ रहे हो, इतिहास की नदियों से सींच कर अपने तन मन को। तुम्हारे ही हाथों से निखारी गई ऐसी मूरत जो तुम्हें अपने जैसी लगती है। मैं भारत हूं, खुशहाल, सशक्त और फिट। मेरी सुबह शंखनाद से होती है जिससे कई बीमारियों का नाश होता है, और इसी मीठी ध्वनि से पूरे जग में प्रकाश होता है। जब जब तुम अपने शरीर के माध्यम से उतरते हो अपने मन के सागर में, तुम ढूंढ के लाते हो मेरे लिए मोती जैसा सच, चमकदार और मजबूत। मेरी संस्कृति में फिटनेस है। तेरा